सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार, धर्म रहस्य चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। धर्म रहस्य चैनल के गुरुजी सूरज प्रताप जी को मेरा प्रणाम। मैं ऋषि भगवती नंदन। कर्ण पिशाचनी के दो वीडियो डालने के बाद जो रेस्पॉन्स आया है कि और वीडियो डालो, तो मैं आज टॉपिक एक छोटा सा लेना चाहूँ, एक बड़ा टॉपिक है लेकिन अपनी छोटी सी वाणी में कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। माता बगलामुखी अष्टम महाविद्या। माता बगलामुखी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी मैं कुछ शब्दों में कहना चाहूंगा। बगलामुखी के चार नाम हैं। पहला है पीताम्बरी देवी, श्री पीताम्बरी देवी। दूसरा बगलामुखी। तीसरा जो अगम शास्त्र में बताया गया है बलगामुखी, ब आधा ल गा मुखी, बलगामुखी। क्योंकि बगलामुखी का भैरव जो है वह मृत्युंजय भैरव है, इस कारण कुछ अर्थों में निर्वाण की अवस्था में आप मृत्युंजय हो जाती हैं। श्री पीताम्बरी, बगलामुखी, बलगामुखी और मृत्युंजया चार नाम हैं, चार लेवल हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है, इसके बाद जो है इसके बाद में बात आती है कि बगलामुखी के लिए कहा जाता है कि वो शत्रु नाश की देवी हैं, शत्रुओं का नाश कर देती हैं, साधक के शत्रुओं का नाश कर देती हैं। देखिए, बगलामुखी के चित्र के अंदर एक राक्षस की उन्होंने जिह्वा पकड़ रखी है और उसे वो मुदगर से पीट रही हैं। ठीक है, ये राक्षस कौन है? ये राक्षस वो है जो अपश्चर्य के मार्ग को अपनाता है, तपश्चर्य पे नहीं चलता है। वो राक्षस यानी ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति असत्य का भाषण करता है, यानी कि कोई ना कोई भी व्यक्ति असत्य का भाषण तब करेगा कि उसने कोई ऐसा काम किया है कि सच बोल ही नहीं सकता। गलत काम किया है तो उसका दंड भी बगलामुखी अवश्य देंगी। अब बात करते हैं शत्रुनाश की। यदि साधक का कोई शत्रु है और साधक बगलामुखी का है, तो शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करने लग जाएगा। दूसरी चीज, यदि वो मित्रवत व्यवहार नहीं करता है तो आपसे शत्रुता का त्याग कर देगा। तीसरी चीज, यदि वो शत्रुता का त्याग भी नहीं कर रहा है तो बगलामुखी उस शत्रु का समूल नाश कर देगी। लेकिन यदि साधक बगलामुखी का को निष्काम भाव से बचता हो तो। इसके आगे बात करते हैं शत्रुनाश है क्या। साधक के मन में यदि काम क्रोध मद लोभ मोह राग द्वेष मोह मत्सर अहंकार है तो ये उस साधक के शत्रु हैं। बगलामुखी व्यक्ति के नाम जाप से साधक का स्वभाव निर्मल हो जाता है, यानी उसके भीतर के शत्रुओं का नाश हो जाता है। एक व्यक्ति के भीतर के शत्रु होते हैं काम क्रोध मद लोभ मोह राग द्वेष। बाहर के शत्रु की बात होगी, भीतर के शत्रु। इसके बाद में बगलामुखी क्या का जाप किस प्रकार फलदायी होता है। प्रत्येक व्यक्ति के चक्रों में, नाड़ियों में, प्रत्येक व्यक्ति के सब चक्र में जो सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी सत्ता है उसका नाश होता है और व्यक्ति निर्गुण में स्थापित होता है। ये वो तरीका है जिससे व्यक्ति निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर सकता है सहज ही निष्काम भाव से बगलामुखी की उपासना करके। ठीक है, अब बात आती है, एक मिनट, अब बात आती है कि बगलामुखी की साधना किन मंत्रों और किन स्तोत्रों से की जाए। तो बगलामुखी हृदयम, बगलामुखी कवच, बगलामुखी सहस्त्रनाम, श्री पीताम्बरी सहस्त्रनाम, प्रत्यंगिरा, बगलामुखी कवच इत्यादि इत्यादि आपको मिल जाएंगे
किताब आपको सबको पता ही होगी क्योंकि आप सभी साधक हैं, शाक्त प्रमोद जो किताब है उसके अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा बगलामुखी का जो मंत्र है 32 अक्षरीय है, जो सभी साधक हैं उनको तो पता ही होगा। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिव्याम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। ठीक है, इसकी विधि पूर्ण विधि मैं गुजारिश करूँगा सूरज प्रताप जी से कि प्लीज़ चैनल पे अलग से दे देवें। इसके अलावा मैं आपको एक बुक अगर रेफर कर देता हूँ जिसको मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ शाक प्रमोद के अलावा, मनोज पब्लिकेशन है दिल्ली का, इसका फ़ोन नंबर है 276 11 116, एक मिनट 276 11 349। ठीक है, दिल्ली का कोड लगा लीजिएगा 011 10। महाविद्या रहस्य पंडित कृष्णलाल शर्मा की लिखी हुई, आप पूछ लीजिएगा आपके शहर में कहाँ मिलती है, मैं इसी हिसाब से करता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास में इतना नॉलेज कैसे है, तो भैया बात इतनी सी है, अपने अंदर अहंकार नहीं है, माता की दया है, जो ज्ञान को प्रकाशित वही करती है, मेरी कोई औकात नहीं, और जो कुछ सीखा है माता से सीखा है, यहीं से सीखा है। खैर, जो पंचदेव हैं आदित्य विष्णु शिव देवी और गणपति, इनमें से किसी भी देवता की निष्काम रूप से भक्ति की जाए, इनके स्तोत्रों और मंत्रों का जाप किया जाए निष्काम भाव से, तो ये सक्षम हैं, और साधक सक्षम हो तो साधक को निर्वाण की अवस्था तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो इसमें कोई वाली बात तो। आदित्य के विषय में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि गायत्री मंत्र में जिस देवता की साधना बताई गई है वह है आदित्य यानी सूर्य। तो आप सूर्य की उपासना कर रहे हैं तो सहज ही गायत्री की उपासना हो जाती है, गायत्री की उपासना कर रहे हैं तो सहज ही सूर्य की उपासना हो जाती है। गायत्री जो आदित्य के बाद में बात आती है विष्णु की, तो विष्णु के विभिन्न अवतार वराह नरसिंह और कृष्ण राम से रिलेटेड आपको सामग्री मिल जाएगी। शिव, शिव से रिलेटेड रुद्राष्टाध्यायी रुद्री शिव के मंत्र धर्मरहस्य चैनल आपको देता ही रहता है। इसके अलावा फिर देवी के अंदर जब गायत्री की उपासना करो तो देवी इसके अंदर आई गई। गायत्री के अंदर एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गायत्री में चार हैं, चतुष्पदी गायत्री में चार हैं। सबसे पहले ब्रह्माणी जो कि वेद माता हैं, वैष्णवी जो कि विश्व माता हैं, सॉरी ब्रह्माणी जो कि वेद माता हैं, वैष्णवी जो कि देव माता हैं, फिर आती हैं शांभवी जो कि विश्व माता हैं, और सबसे लास्ट में त्रिपुरा, त्रिपुरा वाम मार्ग के लिए जो कि आपके विश्व मोहिनी है वामेश्वरी। जो निष्काम भाव के साधक हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं दे देता हूँ 1493591 0। बाकी और तो कुछ बगलामुखी के बारे में क्या कहूँ, स्तोत्र हैं, जाप हैं, करते रहिए साधना में। इसी प्रकार मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, मेरी ओर से प्रणाम, सूरज प्रताप जी को भी मेरा प्रणाम, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी आपने ऋषि शर्मा जी को सुना, उनके बगलामुखी साधना के रहस्य के बारे में उन्होंने आपने काफ़ी कुछ बताया है, तो उसमें खाली एक चीज़ छूट गई कि खाली उन्होंने माता बगलामुखी की पौराणिक कथा नहीं बताई है, तो मैं वो बता देता हूँ आपको कि माता बगलामुखी की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे थी, उनके संबंध में क्या कथा आती है, पुराणों में क्या वर्णित है। तो इस संबंध में जो कथा है वो इस तरह से आती है कि पौराणिक समय में एक बार जब है सतयुग, जब उसका अंत हो रहा था सतयुग का, तो उस सतयुग को नष्ट करने के लिए एक ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ था। एक राक्षस शक्ति ऐसी उत्पन्न हुई जो तूफान के रूप में थी, और जिसकी वजह से सारा ब्रह्मांड जो है उस तूफान के चक्रवात में आ गया और वो नष्ट होने लगा, संपूर्ण विश्व इससे नष्ट होने की दशा की ओर बढ़ने लगा। तो इससे चारों ओर हाहाकार मच गया था और ऐसी अवस्था में संसार को बचाना मुश्किल हो गया था। तो चूँकि
त्रिदेव हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि संसार नष्ट ना होने पाए और जीवन चक्र चलता रहे। तो इस बात से भगवान विष्णु काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए और जब इस समस्या का कोई हल नहीं निकला तो उन्होंने इस कार्य के लिए भगवान शिव को याद किया। भगवान शिव ने तत्काल उस समय उनको दर्शन दिया और कहा कि इस शक्ति को रोकने की सामर्थ्य ना मेरे में है ना आप में है, तो ऐसा कीजिए कि इसको केवल और केवल महाशक्ति ही रोक सकती है और इसे कोई नहीं रोक सकता है। अतः आप जो है उनकी शरण में जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो इस दुर्जय महाविनाश को रोक सकें। तब भगवान शिव के कहने पर श्री भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट, यहाँ पे हरिद्रा हल्दी जिसे कहते हैं, इसीलिए आप जो है इनका जो पीताम्बरा देवी पीले रंग की जो है वस्त्र धारण करती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है विष्णु शक्ति हैं, इसीलिए इनको पीले वस्त्र पहने जाते हैं और पीले वस्त्र ही धारण किए जाते हैं इसी वजह से। तो यहाँ पर हरिद्रा सरोवर जो था उसके निकट पहुँच करके इन्होंने भगवान विष्णु ने तप करना शुरू कर दिया। इससे उन्होंने माता त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न कर लिया और वो जिस स्वरूप में प्रकट हुई वो बगलामुखी स्वरूप था, क्योंकि शक्ति साधक के स्वरूप से ही धारण मतलब स्वरूप धारण करती हैं। तो साधक का जैसा स्वरूप होता है, जो पीताम्बर स्वरूप भगवान विष्णु हुए तो इसीलिए पीताम्बरा देवी पीले स्वरूप में प्रकट हुई। तो जब प्रसन्न हुई तो वो हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करते हुए हृदय के दिव्य तेज से उत्पन्न हुई थी और तब भगवती ने प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया और उसके बाद उन्होंने उस संपूर्ण विनाश को भी रोक दिया था। तो इस प्रकार से माता हरिद्रा वहाँ पर प्रसन्न हो गई होकर के पीताम्बरा स्वरूप में प्रकट हुई थी। तो ये माता का स्वरूप है, वो अलग अलग रूपों स्वरूपों में कई युगों से इस प्रकार से आती रही हैं और आगे भी आती रहेंगी और जो भी उनका साधक है उन्हें साधना करता है, क्योंकि आप देखिए देश भर में एक ही माता है लेकिन कितने रूपों में, किस ग्राम किस कुल देवता किस कहाँ कहाँ किस किस स्वरूपों में हजारों नामों के साथ जानी जाती हैं, चाहे वो दश महाविद्या हो, नवदुर्गा हो, या फिर आप कोई भी देवी ले लीजिए, बहुत सारी करोड़ों में यहाँ पर तो हमारे देश में तो अलग अलग नामों और स्वरूपों से पूजी जाती हैं। तो इतने नाम स्वरूप इसीलिए बन गए क्योंकि उनके साधक जो थे उन्हें जब साधना की तो वो जितने अंश की साधना से उनको जितना खींच पाए अपने सामर्थ्य के अनुसार उस रूप में वो रूप स्वरूप लेकर वो प्रकट हो गई और बाद में पूजी जाने लगी। तो माँ की वर्णन जो है बहुत ही विस्तार पूर्वक, कितना भी कहिए उससे तो कम ही है। कहते भी है, कबीरदास जी ने कहा भी था कि अगर समुद्र की स्याही बनाई जाए और सुमेर पर्वत की कलम बना ली जाए उसके बाद भी अगर वर्णन किया जाए तो परमात्मा का वर्णन नहीं हो सकता है। तो इसी तरह माँ की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता कि वो कितनी स्वरूपों में प्रकट हो सकती हैं, कहाँ तक उनकी सामर्थ्य है। हम केवल साधक हैं और उनको अपने जीवन में उतारने की प्रयत्न करेंगे। जय माता बगलामुखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।